अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे बेहद ही ख़ास प्रोग्राम बिज़नेस और हम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं बिज़नेस के नए नए आइडियाज़ और मोटिवेट करने की लोगों को कि लोग इस शोबे में अपना कदम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ कैसे रखें और आगे कैसे बढ़ें। और मेरे साथ मौजूद रहते हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए फवाद साहब। तो आइए इस्तकबाल करते हैं फवाद साहब का। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। जज़ाकअल्लाह। फवाद साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फवाद साहब, मेरा आज का जो पहला सवाल, जो इससे पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, वो ये है कि बिज़नेस में ही क्यों एंगेज हुआ जाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवाल है। और मैं समझता हूँ कि पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत मुख्तसर सी इस पर बहस की थी, गुफ्तगू की थी, शायद इसका एलैबोरेशन, इसकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। इस ज़िमन में एक हदीस मुझे याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सिद्दीक़ और एक अमीन मर्चेंट कारोबारी, जी, एक सिद्दीक़ और एक अमीन कारोबारी का दर्जा, यानी कि एक सच्चा और एक ईमानदार कारोबारी का दर्जा क्या है, आपको मालूम है ये बात? उसका दर्जा शुहदा के साथ है। जी। इसी के साथ साथ एक बिज़नेस जो है एक पर्पस ड्रिवन ऑब्जेक्टिव है, इसका एक मकसद है, इसका एक टारगेट है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको बड़ी हिकमत से नवाजा है। अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पर फरमाता है कि हमने तुम्हें हिकमत से नवाजा, हमने तुम्हें दानाई बख्शी। और उस हिकमत को, उस एक्सेलेंस को, उस नॉलेज को यूज़ करना, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। क्योंकि मैंने पहले भी बात बोली थी कि जॉब में एक प्रोटोटाइप जो है, एक रास्ता जो है, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड बहुत सख्त है। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन वहाँ नहीं ला सकते, आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो लिहाजा उस ज़िमन में आप अपनी क्रिएटिविटी जब आप आगे लाना चाहेंगे, अपनी इनोवेशन, अपने नयापन, अपनी सोच किसी चीज़ में अगर एंटर करना चाहेंगे, तो वो जॉब में पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में सबसे पहली बात, आपके पास जो नॉलेज है जी, वो आप यूज़ कर सकते हैं एक प्रोडक्टिव वे में, एक अच्छे तरीके में। उस नॉलेज से, उस इल्म से जो सीखा, जो आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की जो आपकी तवक्को है, जो भूख है, उससे आप माशरे को चेंज कर सकते हैं बिजनेस के जरिए। और पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने सोशली इम्पैक्ट करके बिजनेस करे, सोशल उनका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था बिजनेस करने का, लिहाजा उन्होंने अपने बिजनेस में सोशल इम्पैक्ट करके, अपनी नॉलेज का यूज़ करके, उसको यूटिलाइज करके एक प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़े। दूसरा, आपका जो अपना पैसा है, जो आइडियल फंड है, आपका सरप्लस फंड है, उसे आप एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत प्रोडक्टिव वे में, हलाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के तरीके से। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं मार्केट में, न जाने कितने उलमा की तनकीद भी मौजूद है। सेफर साइड पे वहाँ नहीं जाना। सेफर साइड पे तो जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए कारोबार को हलाल कर दिया, कारोबार को आसान कर दिया, सहाबा इकराम ताजिर थे, बड़े बड़े ताजिर गुजरे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें वाकई याद आता है हज़रत खदीजा का जो कंसाइनमेंट जा रहा था मुल्क शाम की तरफ, और पूरा जो आप हज़रत खदीजा ने इस्लाम आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपॉइंट किया था, और पूरा वो एक वाकया है कि मैसरा थे उनके साथ, वो जा रहे थे और पूरा मामला कंसाइनमेंट ट्रेडिंग का हुआ। तो हमें सीरत से भी ये बात मिलती है कि तिजारत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिहाजा आप अपना माल जो आपके पास है, उसे आप एक प्रोडक्टिव तरीके से, एक हलाल तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, जो कमाई आपके लिए जायज़ होगी, जेन्युइन होगी, हलाल होगी। तीसरी बात, आपकी स्किल्स, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन, आपकी सोच, आप उस चीज़ में ला सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे भी पॉसिबल है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, ये वो रास्ता है, ये वो तरीका है, ये वो जगह है जहाँ पर आइए और आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। सिर्फ बातें मत कीजिए, क्रिएटिविटी दिखाइए। इसके बाद एक अजीम मकसद मैं आपको बताता हूँ बिजनेस का, कि माशरा चेंज करने के लिए आप माशरे में, आप हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एडिबल आइटम्स हैं जैसे, या इसके अलावा कोई भी चीज़ है, अक्सर शिकायतें आती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं ऑन अ डेली बेसिस, रोज़ाना के एतबार से, कि फलां चीज़ में मिलावट पाई गई, फलां चीज़ में मिलावट पाई गई, उसमें ये कमी पाई गई, उसमें वो कमी पाई गई। हम एज अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर, एज अ मुस्लिम बिजनेसमैन, मुस्लिम कारोबारी होने के नाते हम ये सब चीज़ को हटा सकते हैं, एडल्ट्रेशन, माल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिलावट, जो मिलावट जिसके जरिए जहर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, गलत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, हम उस सबको एलिमिनेट कर सकते हैं, उन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक अच्छा, एक अपना इनोवेटिव तरीका, जो कि हलाल कमाई है, क्योंकि जाहिर है कि जब हम वजन के एतबार से बात करते हैं, तो जाहिर है कि हमें एक बहुत मशहूर वाकया याद भी आ जाता है कि वो एक कारोबारी था, उसने अपने तराजू के नीचे कुछ चिंबक लगा दी थी, तराजू का एक पल्ला भारी हो गया था। ये एग्जाम्पल, ये मिसाल सिर्फ यहाँ तक के लिए लिमिटेड नहीं है, हर जगह से आप ऐसी चीज़ लेके आइए मार्केट में जो बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल प्योर हो, नेचुरल हो, पब्लिक क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ को, और आप एक रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे मार्केट में। हाँ, जिस ज़माने में हर जगह मिलावट आम हो चुकी है, हर आदमी कहीं भी कुछ खाने से पहले, कुछ पीने से पहले, यहाँ तक कि
कपड़े पहनने के ऊपर भी सोचना पड़ रहा है कि ये लिबास सही है या नहीं सही है, खाया जाए सही नहीं खाया जाए, तो हम ऐसी रेवोल्यूशन ला सकते हैं कि हम एक हलाल चीजों को आम करते रहें। बिल्कुल, कितना बड़ा स्कोप है जी हाँ। आप ये जरा ये फील्ड देखिए, इतना अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, ये फील्ड अभी खोजा नहीं गया है कि हम किस तरीके से बगैर मिलावट की चीजें, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, जूता हो या कुछ भी ऐसी यूज का आइटम हो, इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा शोभा है, इतना बड़ा स्कोप है इस चीज में। अगर कोई भी इसमें अगर जेन्युइनली घुसता है काम करने की नियत से, अच्छी नियत से, उसके पास अल्लाह की बरकत भी नाजिल होगी, सवाब का मामला भी रहेगा कि उसने एक अच्छी चीज मार्केट में दी और जाहिर की कमाई तो उसमें रही। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो जॉब क्रिएशन जी। हमने पहले बोला कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो आप एज अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में जी, बजाय जॉब करने के आप जॉब देने वाले बनेंगे। और हमने जैसे पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में, एक मालिक और उसके जो एम्प्लॉय है उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या फजीलत थी कि जो कुछ पहनो अपने नौकर को पहनाओ, अपने एम्प्लॉय को पहनाओ, जो कुछ खाओ उसे खिलाओ, यहाँ तक कि हर वो काम जो तुम करते हो जिससे तुम्हें कम्फर्ट मिलता है, आराम मिलता है, वो अपने एम्प्लॉय को दो, ये फजीलत की बात है। इसके बाद सबसे अहम मुद्दा, हम हलाल ट्रेडिंग को, एथिकल इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं माशरे में कि जिनके पास पैसा तो है लेकिन कुछ जिस्मानी परेशानी की वजह से कमजोर हैं फिजिकली, जिस्मानी तौर पे वो खुल के बिजनेस फील्ड में नहीं आ सकते, लिहाजा उनके पास पैसा होता है वो ये चाहते हैं, हमें अक्सर ये प्रपोजल्स मिलते रहते हैं, अक्सर और बेशतर ये प्रपोजल्स आते रहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा रखा है आप इसे इन्वेस्ट करा दीजिए कहीं पर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते नहीं है, लिहाजा वो फिर गलत रास्तों पे चले जाते हैं कि सूदी रास्तों पे वो चले जाते हैं। तो हम एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जहां पर हम हलाल ट्रेडिंग को प्रमोट करें, हम हलाल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, एथिकल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ताकि आपका बिजनेस भी प्रॉस्पेरस हो, कामयाब हो और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी अच्छे रिटर्न्स मिल सके। इसके बाद बिजनेस का एक और मैं बात को रखूंगा, चंद एक नुकतात और हैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस का सबसे बड़ा मकसद, हम अपने लाइवलीहुड को, हम अपनी जिंदगियों को गुजर बसर कर आसानी से कर सकते हैं। कैसे? हम अपने लिए कमाएंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे इंशाल्लाह, जब अपने ऊपर खर्च करेंगे किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मांगना किससे है? अल्लाह से। इस जमन में मुझे एक बड़ी खूबसूरत हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तरबियती था, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिताब करते हुए कहा तरबियती अंदाज में कि या गुलाम, ए मेरे बेटे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ, चंद कलिमात सिखाता हूँ, इसको अच्छे से याद रखो, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब भी कुछ मांगना हो बेटा, जब भी कुछ मांगना हो सीधा किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। अल्लाह के रसूल ने लोगों से नहीं जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से सीधा ताल्लुक कायम कराया उनका। तो इस तरीके से हमें भी, भले हम कितने बड़े कारोबारी बन जाए, लेकिन मांगना किससे? अल्लाह की तरफ मांगना। इसके बाद जो अगला हमारा मकसद है बिजनेस करने का, वो ये है कि अगर हम एक बिजनेस करते हैं तो हमारे पास दावा के, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के बहुत मौके मिलेंगे। मैं मिसाल आपको बताता हूँ जो लाइव मैंने देखा, एक चश्मे वाले की दुकान थी, स्पेक्टिकल्स वाले की दुकान थी, वो नज़र का चश्मे और बाकी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके, सन ग्लासेस हैं, वो उसका ट्रेडिंग करते थे, उसको बेचते थे और आई टेस्टिंग भी होती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने अपने काउंटर पर लगा के रखा था कि गेट अ फ्री कॉपी ऑफ कुरान। ओके, माशाल्लाह, तो आप कमा भी रहे हैं तो अल्लाह की राह में आपको खर्चा करने का मौका भी इतना ज्यादा है। और जो इलाका है वहाँ पर अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो गैर मुस्लिम की है जी, और उनके आते भी अक्सर गैर मुस्लिम, जाहिर है कि जब आप एक ऐसी लोकेलिटी में बैठेंगे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को देखा जो वहाँ से कुरान लेके जाते हैं, तो ये दावत की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फिर हम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं जिससे हम मईशत को बढ़ा सकते हैं, सोसाइटी में एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ला सकते हैं, सोसाइटी में एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ला सकते हैं। और सबसे अहम मकसद, सबसे अहम मकसद, हलाल कारोबार करना एक बहुत अजीम इबादत है। कैसे जी? अब आप सोच रहे होंगे इबादत है कैसे? आपने उन तमाम सारे जराए को छोड़ दिया, उन तमाम सारे वसाइल को छोड़ दिया जिसमें इम्कानात थे, ये चीज़ गलत है। और आज के दौर में जहाँ पर हर चीज़ आम है, कितनी जल्दी कोई मुतासिर हो सकता है, कितनी जल्दी कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है ऐसे मौाक़े से, ऐसे जराए से, ऐसे वसाइल से, उसके बावजूद आपने सब चीज़ें छोड़ के, यकसू होके, डेडिकेटेड होके, फोकस्ड होके अल्लाह की राह में आप गए और आपने कारोबार किया। सूरह आल इमरान की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्लाह। बहुत खूबसूरत आयत है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई हो लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, चाहे वो इंसान अमरीका में रहता है, वो इंसान अफ्रीका में रहता है, वो इंसान हिंदुस्तान में रहता है या सऊदी अरेबिया में रहता है, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। अब बेहतरीन उम्मत जब कह दिया तो उसकी कुछ खसूसियत भी तो बतानी पड़ेंगी ना,
उसकी खसूसियत क्या है, तामरूना बिल मारूफ वतनहाउना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्लाह। तीन खसूसी बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं, और यही इस जैसी एक आयत आगे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तामरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हो। बहुत सी बात, तुम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हो। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया कि गेट अ फ्री कॉपी ऑफ कुरान, वो दिल्ली वाली जो दुकान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लोगों को खैर की तरफ बुलाते हो। वतनहाउना अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हो। मुनकर से कैसे रोका जाएगा, क्या सिर्फ तकरीर से रोका जाएगा, आमाल भी तो जरूरी है, आमाल भी तो जरूरी है। तो जाहिर है कि जब आदमी देखेगा कि यार ये एक बिजनेसमैन है जो हमेशा सच्चा बोलता है, जो हमेशा ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, जो हमेशा बात सही बोलता है, वकूल कौलन सदीदा वाला प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है, वो हमेशा बात सीधी सच्ची बोलता है, फैक्ट बात करता है, लगा लिपटा के इधर उधर की बात नहीं करता है, तो कितना बेहतरीन आदमी है। लिहाजा मैं इससे मुतासिर हो सकता हूँ, और अल्लाह ताला इसकी बात कहता है वतुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला चाहता है तो वतुमिनूना बिल्लाह पहले भी ला सकता था, लेकिन पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मुसलमान बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। सही, एक अच्छे इंसान बनो। तो अजीम इबादत के तरीके से भी इस बात को हम शुमार कर सकते हैं इंशाल्लाह। समझ लो इसकी वजाहत हो चुकी है। जज़ाकअल्लाह फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अपने बात को एलिब्रेट किया। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथ मौजूद फवाद साहब, जो बता रहे थे कि बिज़नेस में एंगेज रहना क्यों ज़रूरी है, इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप दावत का काम कर सकते हैं, आप नौकरी करने के बाद सिर्फ आप अपने लिए रोज़ी कमाएंगे, लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों को भी नौकरियाँ दे सकते हैं। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्दी वापस आते हैं। आपका दोबारा खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम बिजनेस और हम में। जैसा कि नाज़िर, मैं हमेशा बारहा रिपीट करता रहता हूं कि आप अपने साथ एक कलम और कागज़ ज़रूर रखिए, कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करके रखना चाहिए। तो आइए नाज़िर, फवाद साहब से आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। फवाद साहब, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। फवाद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले वो कौन सी खास बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। इसको हम और भी तरीके से बात कर सकते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जो एक बिजनेसमैन को लेना चाहिए। देखिए, किसी भी काम शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है। जी, सिंसियर इंटेंशन, बिल्कुल आप खालिस तौर पे नियत करके चलें कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। ओके, आपकी नियत नहीं बदले, आपका इरादे नहीं बदले। आप आज तो बहुत ज़्यादा ये शो देख के या कोई सेमिनार देख के मुतासर हो गए, नहीं नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन जैसे ही आप रात को सोए अगले दिन सुबह उठे आप फिर खुश, वो इंडेवर, वो पैशन, वो मोटिवेशन सब खत्म। तो सिंसियर इंटेंशन, नियत खालिस होनी चाहिए कि हाँ मेरी नियत है, मेरा इरादा है। दूसरी बात, नियत में प्योरिटी, नियत में खुलूस कब आएगा, क्या जो मैं काम करने जा रहा हूँ कि खालिस अल्लाह की रजा के लिए। दुनियावी मामला तो है, अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क रखा है, रोजी रखी है, दुनियावी मामला तो है, लेकिन क्या ये मैं अल्लाह की रजा इसमें इख्तियार करूँगा, क्या अल्लाह की रजा मुझे मिल सकेगी इसमें। तो नियत का खुलूस, नियत खालिस होना सबसे पहला स्टेप। Okay. तक आपकी नियत खालिस नहीं है, आपका इरादा पाक नहीं है, आपका इरादा है ही नहीं। इरादे से मुराद मेरे ख्याल से आपकी ये है कि जो कुछ मैं इससे कमाऊंगा, मैं तो अपने पे खर्चा भी करूंगा, लेकिन साथ साथ में इससे मैं दुनियावी फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करूंगा, दीनी फायदे के लिए इसका कैसे इस्तेमाल होगा। वो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी काम शुरू करने से पहले एक इरादा होना चाहिए। ओके, हम ऐसे ही एक दिन रैंडमली सुबह को उठे यू नो और हमने कोई भी काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, तो जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई धागा, कोई सिरा नहीं, हमको नहीं मिल सकता, तो वो कोई भी काम कैसे चल पाएगा। ओके फाइन, उसके लिए प्लान होना जरूरी है, उसके लिए इरादा होना जरूरी है। अगर इरादा नहीं है, दूसरी बात, क्या ये मैं इरादा, ये जो मैंने इसकी इसके जो माशरे में जो मैंने इसको आम कर दिया कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ या मैं ये बिजनेस करता हूँ, क्या ये इसलिए है कि मेरा फेम बढ़े, या ये इसलिए है कि इसको सोसाइटल फायदा पहुंचे, इससे माशरती फायदा पहुंचे इससे। जी, पहली बात, क्या ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए है, क्या अल्लाह की रजा इसमें शुमार है नहीं है, क्या मैं कोई ऐसा कारोबार करने तो नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं कोई ऐसा काम करने तो नहीं जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह की रजा शुमार ही नहीं है। जी, अगर वो आप ऐसा काम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे करने जा रहे हैं तो उसे फौरन छोड़िए। तो नियत खुलूस होना, नियत खालिस होना, बिजनेस हलाल होना कंपलसरी कंपलसरी, और आपकी नियत साफ होना जरूरी है। यू शुड नॉट चीट। ओके, आप चीट नहीं कर सकते, आप धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कोई धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खारिज कर दिया। साहब, यहाँ पे एक बहुत एक खास बात जो मेरे जहन में आ रही, अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आदमी बिजनेस में झूठ नहीं बोले तो बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि सहाबा इकराम बिजनेस में नहीं थे। जी बिल्कुल थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका वाकया मौजूद है, तमाम सहाबा इकराम का वाकया मौजूद है। क्या इनका मामला ऐसा था? नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं था। हमारे ताबईन में, तबे ताबईन में, असलाफ में बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरे हैं,
पढ़ने की जरूरत है, हमने उनको पढ़ना छोड़ दिया है, हमने उनके अलावा चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया है, तो लिहाजा हम जब हम अपनी तारीख से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि हाँ ये तरीका भी शुमार है। आप सच बोल के तो देखिए एक बार और उसकी बरकत तो देखिए इंशाल्लाह। इसके बाद सलातुल इस्तिखारा, इस्तिखारा करना सबसे पहली बात, और सही तरीके से इस्तिखारा करना कि अल्लाह की एडवाइस, अल्लाह का डिसीजन कैसे पता चलेगा। आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तो इस्तिखारा करना जरूरी है, और आप तो यहाँ पर इतना बड़ा जिंदगी का स्टेप लेने जा रहे हैं, बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, और अगर आप अल्लाह की एडवाइस, अल्लाह का काउंसिल नहीं लेंगे तो क्या वो मुमकिन है कि वो कामयाब हो पाएगा। एक मुस्लिम बहुत सेफर साइड पे चलता है, सेफर साइड वो नहीं जो आपके दिमाग की सेफर साइड है, मैं बिजनेस ही नहीं करूंगा मुझे डर लगता है, ना, सेफर साइड अल्लाह ताला ने पहले बता चुकी है। आप ये स्टेप तो लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्यों आपको बरकत से नहीं नवाजेगा, अपनी रहमत से नहीं नवाजेगा। तीसरी बात, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वो बहुत जरूरी है। आप सुबह को उठे रैंडमली और आपने अपना कारोबार शुरू कर दिया, दुकान खोल ली, ऑफिस खोल लिया, कुछ स्टॉक ले आए, कुछ ट्रेडिंग शुरू कर दी, लेकिन आपके पास कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन ही नहीं है, आपके पास कुछ मार्केट का ओपिनियन ही नहीं है, आपके पास कुछ पता ही नहीं कि हमें बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज नेसेसरी, एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है। और एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में तो कुरान मजीद भी कहता है कि उन लोगों के बारे में कुरान बताता है कि वो लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं, उसकी फजीलत, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है कुरान मजीद। तो सलाह मशवरा और काउंसलिंग करना, एडवाइस लेना, कंसल्टेशन लेना उन लोगों से जिनके पास ऑलरेडी इल्म है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या वो ऑलरेडी ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं जो इस कारोबार में ऑलरेडी शामिल है जी, काउंसलिंग करना, एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अपने हल्के हल्के स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ाएंगे। चौथा मेरा जो पॉइंट है, स्टेप है लर्निंग, सीखते रहना, कभी वो जो सीखने की भूख है वो खत्म नहीं करना। एक दौर ऐसा आएगा कि लोगों को हराम और हलाल में फर्क समझ नहीं रहेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं चीजों को, हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो वी शुड बी ओपन टू यू नो लर्निंग एस्पेक्ट, हमें सीखते रहना चाहिए, हमें चीजों को याद रखते रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम लर्निंग कैपेसिटी हमारे अंदर खत्म हो जाएगी, एबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। पांचवा पॉइंट, अहम पॉइंट, मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को, अपने कैपिटल को फाइनेंस करना, उसको मैनेज करना। वो कैसे, उसके दो तरीके जो मेन हैं, जो कंटेम्प्रेरी तरीके हैं और जो शायद पुराने तरीके भी हैं, वो है मुश्तरका यानी पार्टनरशिप और मुदारबा यानी कि लीजिंग, इस्तिस्ना जिसको कहते हैं। तो आपको अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने, व्हाट इज़ द वे टू मैनेज योर फाइनेंसिस, योर इन्वेस्टमेंट, योर कैपिटल। ये तो आप किसी को पार्टनर बना के शिरकत करके कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी को लेके आना या फिर एक्टिवली किसी को पार्टनरशिप करना। लेकिन अहम जरूरी बात क्या है, सूरह बकरा की आयत याद कीजिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करो उसको लिख लो, गवाह बना लो, ताकि कल को प्रॉब्लम्स ना हो, कल को दिक्कतें ना हो। मैंने यकीन मानिए अपनी जिंदगी में इतनी पार्टनरशिप टूटती हुई देखी है, रीजन क्या रीजन हो सकता है, रीजन वाहिद एक है, उन्होंने लिखा ही नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं करी थी, कल को प्रॉफिट्स आने लगे, लड़ाई होती है दोनों पार्टनर्स में, वो कहता है कि मेरे प्रॉफिट्स हैं, वो कहता है कि मेरे प्रॉफिट्स हैं। अल्लाह ताला इसीलिए कहता है कि सेफर साइड पे चलो, लिखो, गवाह बनाओ, गवाह नहीं बनाओगे तो उसके लिए फिर उसमें सवाब भी है, अगर आप लिखेंगे उसको एक सुन्नत अदा होगी उसकी इंशाल्लाह। तो मुश्तरका यानी पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप आपकी एक्टिव पार्टनरशिप भी हो सकती है कि आप एक्टिवली आपका पार्टनर इन्वॉल्व है, या फिर वो पैसिव पार्टनरशिप, साइलेंट पार्टनरशिप भी हो सकती है कि किसी ने आपको पैसा दे दिया और आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसके पैसे से यूज करके उसको रिटर्न्स दे रहे हैं। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट फाइनेंस अरेंज करने का, मुदारबा यानी कि लीजिंग करना, रेंट पे लेना, इस्तिस्ना जिसको बोलते हैं, सलाम जिसको बोलते हैं। तो उस मसले में आप इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी लीज पे ले सकते हैं, या और भी चीज़ें जो कि विच आर परमिसेबल अंडर द परव्यू ऑफ शरीयत, जो शरीयत में परमिसेबल हैं, जिसकी इजाज़त है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जाहिर है कि शुरू में पैसा एकदम से आप बड़ा इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, तो उसको आप लीज पे ले सकते हैं, और बहुत से पोर्टल्स हैं इंटरनेट पे जो लीजिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, लीजिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको जाना है, गूगल करना है और आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी सारी इंशाल्लाह। फाइनेंसिस के बाद अगला पॉइंट है एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, हम इसके बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये स्टेप में शुमार होगा। ओके। आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन आपका दिमाग वहां बंद नहीं होना चाहिए, आपका जहन वहां बंद नहीं होना चाहिए, आपको नए नए आइडियाज, नए नए अपॉर्चुनिटीज को आपको ढूंढना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए आगे मजीद स्ट्रैटेजी मेकिंग में सही रहेगी, डिसीजन मेकिंग में, फैसला लेने में सही रहेगी, और क्या चीज हमारे लिए गलत रहेगी। इसके बाद तवाजुन मेंटेन करना, मेंटेनिंग द बैलेंसेस, आपको अपने प्रोफेशनल जिंदगी में, अपने कारोबारी जिंदगी में और अपने घरेलू जिंदगी में बहुत बैलेंस करना है, यानी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, कारोबार के इश्यूज कारोबार तक, घर के इश्यूज घर तक, कारोबारी इश्यूज को पर्सनल नहीं करना है, घर के इश्यूज को कारोबार में लेके नहीं जाना है,
आपके इश्यूज कारोबार में है, आप उसे कारोबार तक रखिए। आपके इश्यूज घर में, उसे घर तक रखिए। घर का फ्रस्ट्रेशन कारोबार में नहीं, कारोबार का फ्रस्ट्रेशन घर में नहीं। ये मेंटेन करना जरूरी है और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप रिलीफ रहेंगे, आप रिलैक्स्ड रहेंगे। कारोबार के इश्यूज ठीक हैं, होते हैं, कहाँ नहीं होते उठक पटक, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से पेश आना है। घर के इश्यूज घर तक हैं, वो घर का जब इंशाल्लाह कभी टॉपिक होगा तो उस पर अलग बहस है पूरी, लेकिन फिलहाल हम कारोबार की बात करें तो कारोबार के इश्यूज को घर पे नहीं लेके आना है। उसका गुस्सा अपने बच्चों पे नहीं उतारना है, अपनी अहलिया पे, अपनी वालदा पे, वालिद पे नहीं उतारना है, घर वालों पे नहीं उतारना है। कारोबार के इश्यूज कारोबार तक। तो मेंटेनिंग द बैलेंस, अपना दिमागी तवाजुन, अपना जिस्मानी तवाजुन कायम करना है। आपकी सेहत खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी सेहत खराब, क्योंकि याद रखिए जिस्म आपका अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है और इसके बारे में सवाल होगा, इसके बारे में सवाल होगा। तो इसी तरीके से ये पॉइंट आ गया। इसका अगला पॉइंट है कमिटमेंट टू एक्सीलेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे बेहतरीन मार्केट में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंडर्ड सबसे आला था। आपके अखलाक में, आपके किरदार में आपने कभी बेईमानी नहीं की, सोच भी नहीं सकते, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साहबा इकराम का स्टैंडर्ड बेहतरीन था, तो हमें वही तो स्टैंडर्ड लेके चलना है मार्केट में, जिंदगी में भी, कारोबार में भी, और हर मरहले में जहां पर भी हमारी पब्लिक डीलिंग्स होती हैं। इसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना। आप जब तक सोशल नहीं होंगे तब तक कारोबार फायदा नहीं देगा। आपको नेटवर्क बनाना है, आपको लोगों से जुड़ना है, अपने आप को प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है। आपको ढूंढना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको ढूंढना है कि मेरे टारगेट वेंडर्स क्या हैं, आपको नेटवर्क करना है, आपको चेन में जुड़ना है उनके साथ, अपने ताल्लुक अच्छे करने हैं, अपने ताल्लुक बनाने हैं, ताकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपको अपनाने वाला मार्केट में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद एम्ब्रेसिंग द फेलियर, अगर आप फेल होते हैं अपने प्रोजेक्ट में उसको एक्सेप्ट करना सीखें, उसकी क्या वजूहत है, वो पता क्या वजूहत है, वो एक्सेप्ट करना सीखें, उसके रीजंस में जाएं। ये नहीं कि यार मैंने कोशिश करी मैं फेल हो गया, कोशिश नहीं थी, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम देखिए और फिर से दोबारा से उठिए लड़ने के लिए, फिर से दोबारा से उठिए उस कारोबार को दोबारा शुरू करने के लिए। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप गिर के उठेंगे तो उसकी एक प्रैक्टिकल बात, परफेक्शनिज्म अलग होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप काउंटर करेंगे। और सबसे अहम बात, प्यूरिफिकेशन ऑफ वेल्थ। कारोबार करा, पैसा कमाया, लेकिन अगर पैसे को पाक नहीं किया, ज़कात एक ऐसा अहम फरीजा है जो अल्लाह ताला ने फर्ज किया है उम्मत मुस्लिमा पे। और अगर दुनिया का हर आदमी ज़कात देने लगे, दुनिया से गरीबी का तसव्वुर मिट जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चंद स्टेप्स थे कि जिस तरीके से एक बिजनेसमैन को आगे बढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इस चीज को समझेंगे और इसको इंशाल्लाह जो लोग भी जो एंटरप्रेन्योर्स, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ज़कात दी जाए, तो जैसे ज़कात भी हम देते हैं तो वैसे हमारे कारोबार के अंदर, हमारे पैसे के अंदर कहीं से भी सूद का इन्वॉल्वमेंट ना हो। बिल्कुल, आप तसव्वुर कीजिए, जी जी, कौन अल्लाह का गजब बोल लेना चाहेगा, कौन चाहेगा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। सूद की लेन देन तो वैसे ही गलत। और मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि इंटेंशन, सिंसियर इंटेंशन, आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। तो जब तक आपकी नीयत खालिस नहीं होगी, आपका दिल गवाही नहीं देगा, वो चीज़ हो नहीं सकती। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वेल्थ, जो कमाया उसको भी पाक करना है ज़कात के जरिए इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन इस चीज़ को समझेंगे और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इस चीज़ को अपने ज़हनों में रखेंगे तरबियत अंदाज में इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है और मैं पूछ रहा था उनसे सवाल, बहुत ही उम्दा पॉइंट्स फवाद साहब ने बताए कि एक स्टार्टअप करने के लिए, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन पॉइंट्स को आपको नज़र में और बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो नाज़रीन इसी पॉइंट्स के साथ आपको मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो कहीं पर भी सूद को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।